गुजरात टाइटंस वर्सेस हैदराबाद के बीच खेले गए महामुकाबले के दौरान दोस्तों भले ही राशिद खान और राहुल तेवतिया की जोड़ी ने अंत में अपनी बल्लेबाजी से गुजरात को इस सीजन की 7वीं जीत दिलाई और हैदराबाद की टीम जो जीत के रथ पर सवार थी 5 लगातार मुकाबले जीती थी उन्हें हार का सामना कराया। लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ी भूमिका तो वृद्धिमान शाह ने भी अदा करी। दरअसल दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की तरफ से 195 रन बनाए गए। 196 रन चेस करने उतरी हैदराबाद की टीम के खिलाफ गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी काफी दुरुस्त रही थी शुरुआत से ही। जहां हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात करें तो 42 गेंदों में 65 रन अभिषेक शर्मा जो कि युवा बल्लेबाज हैं उन्होंने बनाए, 40 गेंदों में 56 रन एडन माकरम ने, तो शशांक सिंह ने भी 6 गेंदों पर 25 रन 3 छक्के की मदद से लगाए थे जो कि आखिरी ओवर 25 रन बटोरे थे और 195 रन स्कोर पहुंचा। लेकिन जब गुजरात टाइटंस के यहाँ पर चेस करने उतरी तो शुरुआत वृद्धिमान शाह ने बहुत ज़बरदस्त करी और वृद्धिमान शाह की दमदार पारी के दम पर ही गुजरात की टीम को एक ऐसी उम्मीद मिली कि वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य होने के बावजूद भी गुजरात टाइटंस की टीम ने हार नहीं मानी। इमरान मलिक का कहर भी ढाया गया लेकिन फिर भी वृद्धिमान शाह की पारी ने टीम को मुकाबले में बनाए रखा। हुआ यह दोस्तों कि वृद्धिमान शाह ने शुरुआत से ही अटैकिंग मोड दिखाया, शुभमन गिल दूसरे छोर से बस छोर बदलते रह गए लेकिन वृद्धिमान शाह ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को अपना दीवाना बना दिया। 24 गेंदों में 22 रन शुभमन गिल ने हमने बनाए तो हमें वृद्धिमान शाह और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप 69 यानी कि 69 रनों की हुई थी, जहां पर दोस्तों वृद्धिमान शाह ने 38 बॉल में 68 रन 11 चौके 1 छक्के की मदद से मारे थे। वृद्धिमान शाह की दमदार पारी देखकर हर कोई दंग था क्योंकि वृद्धिमान शाह से इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी। उनको यहाँ बात करें तो मैथ्यू वेट जब शुरुआती मुकाबले में फ्लॉप रहे तो उनको आजमाया गया और विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाया गया और वो पूरा तरीके से दमखम दिखाए। चेन्नई सुपर किंग्स भी वृद्धिमान शाह को अपनी टीम में चाहती थी लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ गुजरात टाइटंस ने 1,90,00,000 रुपए की बोली लगाई वृद्धिमान शाह पर और बोली पैसा वसूल साबित हुई। इस मुकाबले में वृद्धिमान शाह ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन की पारी खेली 11 चौके 1 छक्के की मदद से। जब इनका विकेट गिरा तो टीम का स्कोर 14वें ओवर की दूसरी गेंद तक 122 रन पहुंच चुका था। इस पारी के दौरान वृद्धिमान शाह ने 11 चौके 1 छक्के और 178 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। उमरान मलिक ने इनका विकेट चटकाया तो तीसरे विकेट के रूप में था और 122 रन पर तीसरा विकेट गिरा था। लेकिन गुजरात टाइटंस को अंत में जीत दिलाई राशिद खान और राहुल तेवतिया ने। जहां आखिरी ओवर में 22 रन की दरकार थी तो राशिद खान ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई लास्ट में 2 गेंदों पर 2 छक्के मारते हुए और 22 रन के ओवर को 25 रन बना दिया था। और इस तरीके से गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को जीत कर इस सीजन की 7वीं जीत दर्ज करी और वृद्धिमान शाह की इस पारी के दम पर गुजरात ने जीत की नींव रखी थी। गेंदबाजी के दौरान 4 ओवर 25 रन देते हुए उमरान मलिक ने 5 विकेट चटकाए। जो 5 विकेट गुजरात गिरे वो 5ों उमरान मलिक ने चटकाए तो वहीं दूसरी तरफ शमीन ने भी 3 विकेट चटकाए थे इस मुकाबले में। लेकिन वृद्धिमान शाह की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब देखा जाए तो गुजरात की 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितने भी खिलाड़ी हैं सब अपने आप में एक्स फैक्टर हैं। जब किसी का ही बल्ला चलता है, गेंद चलती है, सब अपने दम से ही यहाँ पर गुजरात को मैच जिताए दे रहे हैं। तो इस सीज़न काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम। क्या लगता है इस बार कौन सी टीम बाजी मारेगी आईपीएल ट्रॉफी को लेकर? क्या गुजरात टाइटंस ही सबसे मजबूत नज़र आ रही है या कोई टक्कर देती नज़र आएगी? एकमात्र टीम हैदराबाद थी सीज़न जिन्होंने गुजरात को हार का सामना कराया था लेकिन इस सीज़न में बदला भी ले लिया गुजरात ने हैदराबाद से, तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।